सबसे पहले आकाश का निर्माण हुआ, फिर आकाश से क्या बना? आकाश से क्या बना? आकाश में सबसे ज्यादा क्या है? आप आकाश में यूं हाथ घुमाइए, घुमाइए, क्या निकल रही है? हवा। आकाश से क्या बनी? हवा। और जब हाथ घुमाएंगे तो हवा निकलेगी, पर हाथ घुमाने में होगा क्या? केवल हवा निकल रही है, यह तो ठीक है, पर हाथ आपका क्या हो रहा है? गर्म। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, इसलिए अग्नि आप दिया जलाओ और उसे कांच से बिल्कुल ढक दो, तुरंत बुझ जाएगी। उसे वायु चाहिए। आग तब जलेगी जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी, हवा मिलेगी, क्योंकि वो उसी से निर्मित हुई है। अग्नि उस वायु से ही निर्मित हुई है। आकाश से वायु, वायु से उत्तर। समझ में आ रही है बात? आकाश से वायु। ये इतना कठिन विषय में आपको समझा रहा हूं कि विज्ञान की पुस्तकें पढ़ोगे तो दिमाग चकरा जाएगा इतनी बात समझने में। साइंस में ये बातें बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझाई गई हैं और साइंस को अभी तक समझ में नहीं आया। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदांत पुराणों में बहुत पहले समझा दिया था कि इन पांच तत्वों में सबसे पहले क्या बना और प्रमाण के साथ। मैं आपको उदाहरण एग्जाम्पल देते चल रहा हूं, कोई आपसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि। अग्नि, अच्छा जब आप हाथ घुमाएंगे तो हवा निकलेगी तो हाथ गर्म होगा, तो जो गर्म हुआ गर्माहट वो अग्नि है, और अग्नि जब बनेगी तो क्या निकलेगा? पसीना, मींस पानी। अग्नि से पानी, अग्नि से जल। अग्नि से क्या निर्माण होता है? जल। ये बात सही है कि मैं और प्रमाण दूं इसका? चलो देखो, गर्मी जब आती है तो गर्मी मींस अग्नि हुई, गर्मी मींस अग्नि हुई, वही अग्नि समुद्र के पानी को वाष्पीकरण करती है और वही फिर उसे खारे पानी का वाष्पीकरण करके उसे मीठे में तब्दील। तो ये पूरा प्रोसेस अग्नि का है या नहीं? जो बारिश होती है वो किस आधार पर होती है भाई? पहले गर्मी आती है ना, पहले सीजन से समझो। सर्दी भी, अब देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये ठंडा मौसम होता है, मार्च ये ठंडी है, ठीक है, जाती हुई सर्दी मार्च में पूरी खत्म हो जाती है। अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया, अब यहां से गर्मियां चालू हो गई। अब गर्मियों में क्या होगा? पूरी तपन होगी, जरूरत से ज्यादा धूप, 45-55 डिग्री तापमान। फिर क्या होगा? पानी आप जरा सा डालो तुरंत उड़ जाएगा भाप बन के। तो वो अग्नि तो ले रही है ना, हाँ या ना? और उसे फिर बारिश, उसके बाद गर्मी के बाद क्या आएगी? तो फिर उसे बरसा देगी। यही सिस्टम है। तो आकाश से वायु, वायु से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से जब आप हाथ घुमाएंगे तो वायु निकलेगी, वायु निकलेगी तो हाथ गर्म होगा तो अग्नि, अग्नि निकलेगी तो पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा तो पसीने के साथ आपके मैल, पूरी बॉडी बिल्कुल मैल जो है निकल जाएगा। आप बनाएंगे तो गोल गोल, वो पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी है। जल से पृथ्वी जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसलिए पृथ्वी में
पृथ्वी तत्व कम और जल तत्व, बोलो हाँ या ना। पृथ्वी में पानी ज्यादा है, जल ज्यादा और थल कम, लगभग 70% है ना थल। हम जब पढ़ते थे लगभग 71 29% लगभग जब हम पढ़ते थे तब ऐसा, अभी भी ऐसे ही है क्या? हाँ, तब कई याद है हमें कुछ कुछ। बाकी फिर शास्त्रों में जब पढ़े तो ये चीजें और मिली हमें कि ये सृष्टि का क्रम इस तरह से चलता है। इस पृथ्वी में इसी से पांच तत्वों से सब कुछ बना। तो ब्रह्मा जी है सृष्टि उत्पन्न करने वाले, विष्णु जी पालन करने वाले, शंकर जी संहार करने वाले। इन तीनों को जोड़ दिया तो हो गया गॉड, जी ओ डी, गॉड। गॉड मतलब जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मींस ब्रह्मा, ऑपरेटर मींस विष्णु, डिस्ट्रॉयर मींस शिव। ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों को जोड़ा तो गॉड। गॉड का फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु और महेश। तीनों का काम सृष्टि उत्पन्न पालन संहार, जो एक शब्द में कह दिया गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान